स्वायत्त शासन विभाग ने कोटा दक्षिण नगर निगम की 22 समितियों का गठन किया है। इसमें मेला व अन्य उत्सव आयोजन समिति के लिए कोटा उत्तर की महापौर मंजू मेहरा को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि दक्षिण के महापौर राजीव अग्रवाल व दोनों उप महापौर को सदस्य बनाया गया है। कार्यकारी समिति में अध्यक्ष महापौर राजीव अग्रवाल व उपाध्यक्ष उप महापौर पवन मीणा को बनाया गया है। इसी प्रकार भवन निर्माण स्वीकृति समिति में भी महापौर को अध्यक्ष बनाया गया है। सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी उप महापौर पवन मीणा को दे दी गई है। वित्त समिति के अध्यक्ष देवेश तिवारी, स्वास्थ्य समिति की सुमित्रा खींची, नियम एवं उपनियम समिति लेखराज योगी व अपराधों के समन की समझौता समिति श्रीमती सुमन पेस्वानी, गंदी बस्ती सुधार समिति श्रीमती जरीना बेगम, सार्वजनिक रोशनी व्यवस्था समिति अनुराग गौतम, जल वितरण व्यवस्था समिति जियाउद्दीन को अध्यक्ष बनाया गया है। इसी क्रम में राजस्व कर वसूली समिति में मनोज गुप्ता अध्यक्ष, गैराज वाहन समिति में कपिल शर्मा अध्यक्ष, स्वर्ण जयंती रोजगार समिति में श्रीमती इति शर्मा सुमन अध्यक्ष व गौशाला समिति में जितेंद्र सिंह अध्यक्ष, अतिक्रमण निरोधक समिति में पीडी गुप्ता अध्यक्ष, निर्माण वर्क समिति में इसरार मोहम्मद अध्यक्ष, आपदा प्रबंधक समिति में योगेंद्र शर्मा अध्यक्ष व प्रचार प्रसार समिति में दीपक कुमार अध्यक्ष, नगर आयोजन एवं सौंदर्यकरण समिति में नवीन यादव अध्यक्ष, उद्यान प्रबंध समिति में श्रीमती शमा परवीन मिर्जा अध्यक्ष तथा भूमि भवन संपदा समिति में श्रीमती मोनिका विजय को अध्यक्ष बनाया गया है। उधर राष्ट्रीय दशहरा मेला 2022 की तैयारियों को लेकर दक्षिण महापौर राजीव अग्रवाल ने बताया कि मेला समिति अध्यक्ष के साथ मिलकर कोटा के दशहरे मेले को आकर्षक और भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि समितियों का गठन हो जाने से समितियों के सभी अध्यक्ष और सदस्य अपना काम बखूबी कर सकेंगे। अग्रवाल ने बताया कि पिछले 2 साल से कोरोना के चलते राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन इस बार मेले को भव्य रूप दिया जाएगा जिसमें सभी का सहयोग रहेगा।